जगजीत बेदी हेयर फ्रॉम शेड्स इंटरनेशनल, ए क्लस्टर ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। हम वुडन बीड से, कलरफुल वुडन बीड से, डिजाइनर वुडन बीड से कुछ नेकलेस बनाना सीखेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। ये देखिए, ये वुडन बीड्स हैं, हमने इनको कलर किया था, डेकोरेट किया था, इसको स्टोन से डेकोरेट किया था। तो अब हम करते हैं स्टार्ट। पहले ये देखिए, मैं स्टार को इसके अंदर डालूंगी, वायर के अंदर इस तरह से मैंने डाल दिया। फिर एक छोटा बीड, फिर एक बड़ा बीड, फिर एक छोटा बीड, फिर एक बड़ा बीड, इस तरह से मैंने ये चार इधर डाले और चार इधर डालूंगी सेम उसी तरह की सीक्वेंस में। एक छोटा, फिर एक बड़ा, फिर एक छोटा, फिर एक बड़ा। ये देखिए कितना सुंदर नेकलेस बना है। ये देखिए बहुत ही सुंदर नेकलेस बना है। इसको हम गोल गोल घुमाकर इस तरह से कुंडा भी बना सकते हैं। तार को छोटा काट के आप इसका इस तरह से घुमा के इसको बना सकते हैं आप, और यहाँ से यू शेप में घुमा के आप इसका कुंडा बना सकते हैं। तो इस तरह से इसमें फिट हो जाता है। आप अच्छी तरह करिएगा, मैंने जल्दी जल्दी में आपको सिर्फ टेक्निक मात्र बनाया। ये देखिए इस तरह से ये बन जाएगा, बहुत प्यारा बनेगा। इसी तरह से मैं आपको एक दूसरा बताती हूँ। ये देखिए, ये मैंने येलो स्टार में, इस येलो स्टार बीड्स में येलो कलर किया था और वाइट बीड्स लगाए थे, और मैंने ये गोल गोल बीड्स में मैंने येलो कलर किया था, उसके ऊपर मैंने बीड्स लगाए थे। इसको ये डोरी डोरी नेकलेस होते हैं, इनको डोरी में बनाया जाता है। मैं आपको यहाँ तार भी इसलिए करके बता रही हूँ कि जल्दी जल्दी हो जाए। ये देखिए आप देख सकते हैं ये कितना प्यारा बना है। तो आप ये बहुत प्यारा बहुत सुंदर बना है। ये डोरी नेकलेस होते हैं, डोरी में ज़्यादा बनाए जाते हैं। डोरी होती है इसकी ऊपर की, ऊपर डोरी तक ये खाली रहते हैं। कल मैंने ये कलर किए थे और साथ में मैंने इसमें सी शेल्स लगाए थे। मैं आपको सी शेल्स वाला करके दिखाती हूँ। ये हमने ये लिया, ये डाल दिया, फिर एक बीड लिया, बीड डाला, फिर एक ये लिया, ये डाला, फिर एक बीड डाला, फिर एक ये लिया, फिर एक बीट डाला। इसीलिए मैं डाल कर रखती हूँ ताकि टाइम बच जाए, मैं आपको दो चार चीज़ें और बता पाऊँ, तो उसमें आसानी रहती है। ऐसे इसमें डालने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो इसलिए मैं डाल कर रखती हूँ। लेकिन मैंने कहा कि फिर ये मैं आपको पूरे ही डाल कर दिखा देती हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, आप अच्छी तरह से बना पाएँ। ये देखिए, ये मैंने इसके ऊपर सी शेल्स लगाए थे, ये इस तरह का बना है, चोकर टाइप का बना है, चोकर चोकर ब्रेसलेट। ये बहुत प्यारा बनता है, बहुत सुंदर बनता है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा और कितना सुंदर बना है। देखिए इस तरह से आपने देखा, ये डोरी वाले ब्रेसलेट है, डोरी नेकलेस में। ये देखिए, ये और ये। अब मैं आपको एक और दिखाऊंगी इस तरह का कंठी, जिसे कंठी बोलते हैं। इस कंठी में एक चीज भी बहुत होती है, एक डाल दो तो बहुत है, एक एक सिर्फ आप डाल दो तो। ये कंठी इस तरह से होती है, इस तरह से बच्चे पहनते हैं, लड़कियां पहनती हैं इस तरह से। देखिए ये कंठी बहुत प्यारी लगती है, आप इसमें अलग अलग डाल सकते हैं। जैसे मैंने ये डाला था, आप इसमें कोई भी कलर कोई भी इस तरह से डाल दें और देखें कितना सुंदर लगता है ये। आप स्टार ना डाल के इसमें ये डाल सकते हैं, टाइगर प्रिंट का, ये इस तरह से। ये देखिए, ये मार्केट में मिल जाती है, ये वायर ये वाली मार्केट में मिल जाती है। ये देखिए, ये डाल दें तो ये भी बहुत सुंदर लगता है। जीन्स के साथ पहने, किसी के साथ पहने, बहुत प्यारा लगता है ये। तो आपने देखा, ये सब मैंने ये कंठी और चोकर के डिज़ाइन आपको देख करने बताए। अब मैं आपको पूरी पूरा गार्लैंड बना के दिखाती हूँ। ये पहले हमने बीच में ये डाला, फिर साइड में हमने ये डाला,
बड़ा मोती, फिर उससे थोड़ा छोटा मोती, फिर बड़ा मोती, फिर एक जेब्रा प्रिंट का मोती, फिर एक बड़ा मोती, इस तरह से डाल दिया। अब इधर से भी सेम सीक्वेंस में डालेंगे एक बड़ा मोती, जिसमें मैं हमने कल डॉट बनाए थे, कलर करके डॉट बनाए थे। देखिए कल हमने ये सारे वाइट करे थे और फिर इनके ऊपर डॉट बनाए थे, जेब्रा प्रिंट बनाया था इस तरह से। ये देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है ब्रेसलेट। आप चाहे तो डोरी में बाजार से मिलते हैं कुंडे, जो बाजार के कुंडे होते हैं वो मिलते हैं, डोरी में आपको ये बनाना है तो डोरी में कुंडा लगाना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आपने वायर में बनाना है तो वायर में कुंडा बना सकते हैं खुद ही। इस तरह से आपने इसको सर्कल में घुमाना है और पेचकस से, प्लास से इसको बिल्कुल पास पास कर देना है और इसको यू शेप में 2-3 बार घुमाना है इस तरह से, ये पक्का हो जाता है। इस तरह से यू शेप में घुमा ले तो फिर ये इसके साथ अटैच हो जाता है इस तरह से। इस तरह से ये डोरी आप इसमें कुंडा खुद ही बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। मैं आपको एक और बताती हूँ, ये हमने कल वाइट बीट्स डाई किए थे, ये कल वाइट बीट हमने डाई किए थे, इनको डाला हमने जल्दी से। अगर आप चाहें तो पूरा वाइट डाल सकते हैं, चाहे तो बीच में कोई एक कलर भी डाल सकते हैं, ऐसे मैं ये कलर डाल देती हूँ, फिर देखिएगा। अगर चाहें तो पूरा प्लेन भी बना सकते हैं। आप डोरी में बनाएं, इलास्टिक में बनाएं या इस तरह की वायर में बनाएं। देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है। हमने कल इनको वाइट किया था, फिर इसके ऊपर वाइट बीड्स लगाए थे, कलरफुल बनाया था। देखिए इस तरह से, ये देखिए कितना सुंदर बनाए। इसी तरह से मैं आपको डमरू के डिजाइन को यूज करके दिखाती हूँ। ये हमने डमरू के ऊपर प्रिंट किया था स्प्रे पेंटिंग, और ये हमने वाटर में डिप करके इसको किया था, ये भी हमने स्प्रे पेंटिंग की थी। इस तरह से ये मैंने डमरू वाले डाल दिए, और मैं अब इसके ऊपर मैंने ये वाइट करके सिल्वर और गोल्डन डॉट डाले थे नेल पॉलिश से, वो मैंने 4 इधर डाले, और ये मैंने नेल पॉलिश से सिल्वर और गोल्डन किए थे, ये भी मैंने 2 डाल दिए। तो ये बहुत क्लासिक सा बनेगा, आप देखिएगा अभी, बहुत ही प्यारा लगेगा ये। ये सेम इधर भी वही सीक्वेंस डालनी है जो उधर डाली थी, एक गोल्डन एक सिल्वर, फिर सिल्वर फिर गोल्डन, और फिर मैंने गोल्डन और सिल्वर प्लेन मोती इसमें डाल दिए जो मैंने गोल्डन और सिल्वर किए थे। ये बहुत प्यारा बना है, देखो कितना सुंदर लग रहा है, देखो बहुत ही क्लासिक लगता है, बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, क्लासिक और डिफरेंट। आपने देखा कितने सारे मैंने आपको करके दिखाए हैं। इसी तरह से ये मैंने प्लेन बनाए हैं, प्लेन, ये प्लेन मैंने कलर करे थे, इसमें कोई बीड्स में मैंने कोई सीक्वेंस या कोई स्टोन नहीं लगाया, कोई ज्वेल्स नहीं लगाया, बस इसको इस तरह से डाल दिया। आप देख सकते हैं आसानी से डल जाते हैं ये, और ये इस तरह से प्लेन बीड्स का बन गया। आप जीन्स वगैरह के साथ इसे कभी भी, मल्टी कलर का किसी के साथ भी पहन सकते हैं। तो ये भी बहुत सुंदर है, आपने देखा इस तरह से, ये देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है। इसी तरह से मैंने ये बनाया, आप देख सकते हैं, ये भी मैंने इसी तरह से एक छोटा एक बड़ा इसमें डाले हैं, और बीच में मैंने एक सीक्वेंस वाला एक नग वाला लगा दिया है। ये इतने सारे आप देख सकते हैं, कितने सारे नेकलेस हैं, देखें आप पास से, बहुत सारी चीज़ें हैं ये, बहुत सारी तरह के नेकलेस हैं, सारे कलर की और डिज़ाइनर नेकलेस आप देख सकते हैं। ट्राई करिएगा, ट्राई जरूर करिएगा। हैव ए नाइस टाइम।